जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए मलिक ने कहा कि अगर एक जानवर की मौत होती है तो दिल्ली से संवेदना प्रकट की जाती है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि देश में आंदोलन के दौरान 600 किसानों की मौत हो गई और मोदी सरकार ने उफ तक नहीं किया। तो तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन में लोग मर गए, लेकिन कुछ नेता एक शब्द भी नहीं बोले। मलिक ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो किसानों के धरने में आकर बैठ जाएंगे। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि किसानों के जो मुद्दे हैं अगर वो उस पर कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे जो शुभचिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोलें और हटें। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली में बैठे 2-3 लोगों ने गवर्नर बनाया है, किसानों के प्रति बोलने पर उन्हें दिक्कत होगी, मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन अगर वो कहेंगे कि हमें दिक्कत है तो मैं एक मिनट भी अपना पद छोड़ने में नहीं लगाऊंगा। सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि इतना लंबा आंदोलन देश में कभी नहीं चला है जिसमें 600 किसान शहीद हो गए हों। जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूँ कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूँ, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूँ कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है, साथ ही किसानों की मांगों को मानने की अपील भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो करना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही करना है। मलिक ने कहा कि उन्हें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को भ्रम में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।